वो बुंदेलखंड नाम का गांव है। उस गांव में कई किसान केलों के पेड़ उगाते थे। यहां उगने वाले केले देश विदेश निर्यात करते थे, लेकिन वहां के मध्यवर्ती लोग किसान को उनका बहुत कम दाम देकर शहर में बहुत मुनाफे में केलों को बेचते थे। एक बार वो सारे किसान इकट्ठा हुए। भूपति नाम का एक किसान, देखिए इस साल हम सबको खेत में अच्छा फसल मिला, पिछले साल से इस साल फसल दो गुना ज्यादा मिला है, इसलिए हम सब इन मध्यवर्ती लोगों को एक ही दाम पर केले बेचेंगे। हर बार उनके कहे दाम पर ही क्यों बेचें? हमारे तय किए गए दाम पर ही बेचना चाहिए। जिस दाम पर हम बात करेंगे उनसे उसी दाम पर खरीदना होगा। हाँ हाँ, बोलने लगे। अगले दिन जब मध्यवर्ती लोग आए, देखिए इतने समय हम आपके कहे दाम पर ही केलों को दिए हैं, अब से आपको हमारे तय किए गए रेट पर ही लेना होगा। उन लोगों में से एक, क्यों रे नए नए चीज बोल रहे हो, क्यों अंबानी बनना चाहते हो या बिरला? हम नहीं तो तुम लोग कहाँ बेच पाओगे? चुपचाप हम जो दाम कह रहे हैं उसी दाम पर बेचो। माफ कीजिए, हम आपके कहे दाम पर बेच नहीं सकते। हाँ तो यहाँ कहा, आप तुम लोग केले कहीं नहीं बेच पाओगे, देख लेना, कहकर चले गए। बुंदेलखंड के किसान बहुत कोशिश करने के बावजूद कहीं पर भी जाते उनसे केले खरीदने कोई तैयार नहीं होता था। वे लोग लाचार होकर जमींदार के पास जाकर जो हुआ सब बताए। जो हल चलाता है उसी की जमीन है, किसान का ये हक है कि फसल का सही दाम तय करे और उसी दाम पर फसल को बेचे। ठीक है, एक काम कीजिए, वो सारे केले मेरे स्विमिंग पूल में लाकर डालिए। सब वो स्विमिंग पूल में केले डाले। जमींदार तब एक कैमरामैन को बुलाकर, रे मैं और मेरे किसान इस स्विमिंग पूल में खेलते रहेंगे, तुम वो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड करो। इस तरह जमींदार और कुछ किसान स्विमिंग पूल में उतरकर खेलने कूदने लगे। वो कैमरामैन उस वीडियो को निकालकर इंटरनेट पर डाला। बस उस वीडियो को फिर कई लोगों ने देखा। एक न्यूज चैनल पर एक रिपोर्टर, पहले ही इतनी खाने की तंगी है, लेकिन इस गांव के लोग केलों से स्विमिंग पूल बनाकर ऐसे कैसे खेल सकते हैं? आखिर वो गांव वाले ऐसे क्यों करेंगे? यहाँ हमारे गांव में तो केले मिलते तक नहीं है और वहाँ वे लोग उन पर खेल रहे। क्यों? रिपोर्टर ने सवाल किया। ये हर न्यूज चैनल पर फैलने से न्यूज वाले मीडिया वाले सब वो गांव पहुंच गए वहाँ जमींदार से। क्यों जी, पूरे देश में खाने की कमी है तो आप यूं केलों को स्विमिंग पूल में डालकर ऐसे करना अन्याय नहीं है? क्या करें, मेहनत से उगाए इन केलों को हम अगर सही दाम पर ही बेचना चाहे, लेकिन ये दलाल लोग ऐसे नहीं होने देते, तो हम क्या करें? समझ नहीं आता कि हम इन केलों को बेचने के लिए आगे क्या कदम उठाए, इसलिए यूं खेल रहे हैं। ये सब देखते हुए तुरंत उस गांव के एमएलए पार्टी वाले आकर, आपके साथ जो हुआ उसे जानकर बहुत दुख हुआ है, अब से किसान का कहा ही चलेगा, अब से वे खुद ही हमारे गवर्नमेंट वेयर हाउस के पास केलों को ठीक दाम पर बेच सकते हैं, दलाल लोग बीच में नहीं रहेंगे। तब सारे किसान ने खुशी से तालियां मारी। लालची बनाना वाला, ये सीतापुर नाम का गांव है। इस गांव के केले बहुत मशहूर हैं। आसपास के गांव वाले भी सीतापुर में आकर केले खरीदते थे। उस गांव में किशन नाम का किसान रहता था। वो बहुत लालची था। एक बार जब पड़ोसी देश से फॉरेनर सीतापुर मार्केट में आए, या कम हियर सर, कम हियर, बनाना सर, बनानास, हाई क्वालिटी बनाना सर, प्लीज कम हियर, कहकर उन्हें बुलाया। फॉरेनर्स उन केलों को देखकर, नाइस बनानास, कितने में बेचेगा? एक बनाना 1 रुपी सर, कहा। ओह वेरी गुड, कहकर एक बनाना लेकर उसे खाया और वाओ इट्स वेरी टेस्टी, आई लाइक दिस, कहकर पैसे दिया और कुछ केले खरीदे। अगले दिन दो सैनिक किशन के पास आकर, देखो किशन, 3 दिन में राजा जी का जन्मदिन है, उस दिन देश विदेश से कई राजा महाराजा पधारेंगे, उनमें से कुछ राजाओं को अपने गांव के केले भाग गए, कल जो तुमसे खरीदा था ना उन्हें बहुत पसंद आ गए, इसलिए राजा जी का आदेश है कि उनके जन्मदिन पर 100 गुत्थे केले तैयार रखना। 100 केले के गुच्छे 3 दिन में कैसे पकेंगे जी? नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल है। तुम चुप रहो, कुछ मत कहो, मैं बात कर रहा हूँ ना।
राजा जी के जन्मदिन पर 100 गुच्छे केले में तैयार करके लेके आऊंगा, कह दीजिएगा। ठीक है, कहकर किशन को पैसे देकर चले गए। उस रात घर पर किशन की पत्नी रम्या, ओ जी 3 दिन में 100 गुच्छे केले कैसे पकेंगे जी? मार्केट में कार्बाइड नाम का एक नया केमिकल आया है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो 1 दिन में पक जाएगा। केमिकल? नहीं जी, हमारा गांव केलों के स्वाद के लिए इसीलिए मशहूर है क्योंकि हमने उन्हें अब तक शुद्ध तरीकों से बिना केमिकल्स के उगाया है। अब उस नाम को खराब मत कीजिए। व्यापार ऐसे ही चलता है, इन पैसों से ही हम अपना खुद का घर बना सकते हैं। नहीं जी, हमारी वजह से गांव का नाम खराब होगा। मुझे सलाह दे रही हो? जाओ जाओ अपना काम करो। उस रात को सारे केलों में केमिकल मिलाकर धुआं छिड़का, सारे कच्चे केले पीले पके हुए जैसे दिखने लगे। जन्मदिन पर राजा ने भोजन के साथ सब लोगों को केले खिलवाए। एक फॉरेनर खाना खाने के बाद केला लिया, उसे खाया और Oh no, it's very hard. ये वो केले नहीं हैं जिसे हमने खाया था, वो बहुत स्वादिष्ट थे। राजा ये क्या है? I'm sorry, we are very disappointed. राजा को बहुत गुस्सा आया, मंत्री को बुलवाकर सब बताया। महाराज मुझे 2 घंटे का समय दीजिए, मैं सब कुछ पता लगाता हूँ, कहकर वहां से निकला। मंत्री को शक होने के कारण किशन के घर के आंगन में जाकर देखा। वहां किशन को केलों में केमिकल्स मिलाते हुए देखा और तुरंत सैनिकों से किशन को गिरफ्तार करवाकर जेल में डाला।